lockdown and there are holidays, we cannot pass our time. So how will I spend our time? So I will teach you. I will teach you one envelope. So for this envelope, we need one paper, plain paper, newspaper. From this newspaper, we are making flowers, scissors, and fevicol. Okay. So अपना जो envelope है वो ऐसे बनने वाला है. इसके ऊपर जो flowers बनाए हैं वो newspaper से cutting करके बनाए हुए हैं. यहाँ पे जो design है उसके लिए आप स्केच पेन्स का यूज कर सकते हैं, क्रेयॉन्स का यूज कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. ये जो पेपर है, पेपर को बराबर सेंटर में फोल्ड करना है. ऐसे फोल्ड इट लाइक दिस, ओपन इट अगेन टिल दिस सेंटर लाइन, फोल्ड हियर लाइक दिस. अभी ये जो लाइन है वो लाइन के ऊपर ये पेपर यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है. वन फिंगर का मेजरमेंट होना चाहिए. ऐसे यहाँ पे फोल्डिंग करो, इसके ऊपर ओवरलैपिंग किया है पेपर हमने यहाँ पे. नाउ फोल्ड अगेन वन फिंगर हियर. अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट लेना है. Fold like this, and here two fingers measurement. You can mark here like this, and fold with scale. If you don't have scale, you can use your color box, book. Fold like this. Okay. Now open it again. यहाँ पे हमें folding lines दिख रहे हैं चारों साइड में. अभी पेंसिल से या फिर स्केच पेन से यहां से ऊपर ऐसे लाइन करके लो. वहां पे भी टू फिंगर्स मेजरमेंट रहेगा. यहां से बराबर यहाँ पे टू फिंगर मेजरमेंट, मतलब ये लाइन यहाँ पे आएगा. ये लाइन को यहाँ पे वन फिंगर मेजरमेंट लेना है. ये रसो वन फिंगर मेजरमेंट. स्केल से मेजरमेंट लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. ये लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे ऐसे. और यहाँ पे ये जो लाइन है इसे कट करना है. ये जो फोल्डिंग लाइन है सो स्टार्ट कटिंग नाउ. कट दिस लाइन प्रॉपरली. थोड़ा सा क्रॉस में कटिंग करे हैं. आपको कटिंग नहीं आता है तो आपके पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हैं. आप आपके फ्रेंड्स का बर्थडे होगा तो बर्थडे में आप बाहर से अभी गिफ्ट खरीदने के लिए नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप आपके फ्रेंड्स को ग्रीटिंग कार्ड बना के एनवलप में डाल के डेकोरेट करके दे सकते हैं. नाउ ये हमारा कटिंग रेडी हुआ है. इसको ऐसे फोल्ड करना है. यहाँ पे हमने ओवरलैपिंग किया था फेविकॉल से. अभी यहाँ पे स्टिक करना है. यहाँ पे फर्स्ट स्टिक लाइक दिस. सॉरी अगेन हियर स्टिक लाइक दिस. ये जो अपना एनवलप है रेडी हुआ है. सिंपल मेथड मैंने अभी आपको दिखाया है. ये एनवलप रेडी हुआ है.
अभी ये इनवेलप के ऊपर हमें डेकोरेशन करना है, तो डेकोरेशन के लिए हमारे पास घर में अभी पेपर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग बाकी दिनों में कोई भी पेपर्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं लॉकडाउन की वजह से, तो घर में आपके समझो न्यूज़पेपर अवेलेबल है, तो न्यूज़पेपर के ऊपर देखो बहुत सारे ऐसे कलरफुल पैटर्न्स होते हैं, कलर्स रहते हैं। अभी यहाँ पे ब्लू पर्पल कलर है, यहाँ पे भी ब्लू कलर है, आप न्यूज़पेपर के ऊपर फाइंड आउट करो कहाँ कहाँ आपके कौन कौन से कलर्स हैं। अभी यहाँ पे मुझे पर्पल कलर मिल रहा है, पर्पल कलर को मैं यहाँ पे स्क्वायर में कट कर रही हूँ, आई एम कटिंग इन स्क्वायर शेप। Now I will show you how to make flowers. Okay? Again I will show you first square, half folding, again like this and fold like this. Okay? And round shape में उसे cutting करना है. Cutting हुआ है. ओपन करने के बाद ये हमारा फ्लावर रेडी है, दिख रहा है फ्लावर्स, फ्लावर रेडी है। अब ये फ्लावर्स हम लोग यहाँ पे, ये जो एनवेलप हमारा रेडी हुआ है यहाँ पे हम लोग स्टिक करेंगे, फेविकॉल ले लो, फेविकॉल से स्टिक करो, पूरा फेविकॉल नहीं लगाना है फ्लावर्स को, सेंटर में थोड़ा सा डॉट लगा के यहाँ पे फ्लावर लगाया है मैंने, जैसे कि वो 3D फ्लावर है ऐसा दिखेगा। अभी मैं दूसरा कलर ले रही हूँ न्यूज पेपर से, स्मॉल फ्लावर के लिए स्मॉल स्क्वायर कटिंग कर रही हूँ मैं, अगेन फोल्ड लाइक दिस, सेम मेथड। Cut on round shape, open this flower, again stick, आपको जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे ये stick करना है। अभी यहाँ पे मैंने ऐसे stick किया है, okay? आपके पास colors हैं, sketch pens हैं, तो उसका आप इसमें use कर सकते हैं, डेकोरेट करो आप अपने मन से, अपने हिसाब से उसे डेकोरेट करना है। आपके पास क्रेयॉन्स है तो क्रेयॉन्स का भी आप यूज कर सकते हैं इसमें डेकोरेट के लिए, कलरिंग कर सकते हैं, मतलब क्राफ्ट के साथ साथ आपका कलरिंग भी हो जाएगा। ये हो गया रेडी, अभी चारों साइड में हम इसे थोड़ा सा बॉर्डर करेंगे। आपके पास कलरफुल स्केच पेंस है तो स्केच पेंस से करो, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है स्केच पेंस और स्केल, तो मैं पेन से और कलर बॉक्स से मार्किंग बना रही हूँ। ऐसे बॉर्डर करेंगे तो एनवेलप और ज़्यादा अच्छा दिखता है। ओके, ये अपना एनवेलप रेडी हुआ, आप इसके ऊपर मैसेज लिख सकते हैं, आप बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं, बर्थडे का ग्रीटिंग देना चाहते हैं तो हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टे